तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर 10 के अंतर्गत क्रियात्मक समूह का परिचय। देखो, आज हम केवल परिचय देखेंगे, मतलब ये वीडियो लेक्चर थोड़ा सा छोटा होगा क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से क्रियात्मक समूह हैं और इनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इनके अनुलग्न क्या है, और उसके बाद हम एक एक जो क्रियात्मक समूह होगा जिन्हें हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं उन पर काम करेंगे। तो आपको इनके जो नाम है वो याद हो जाएंगे, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, केवल ये जनरल परिचय रहेगा आज। और हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, हमने सबसे पहले सिंगल बॉन्ड पढ़ा, फिर डबल बॉन्ड पढ़ा, उसके बाद हमने डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो दोनों साथ में ही पढ़े थे, और उनके जो रूल है उनको रटा नहीं है, उनपे बेसिक काम किया है, मतलब उनपे हमने अप्लाई किया है उन रूल को। तो रूल याद करने की जरूरत हमें कभी भी नहीं पड़ेगी, और IUPAC को तो आप कभी भूलोगी नहीं। और कमेंट में आपका इतना अच्छा रिस्पॉन्स है, आप सभी के लिए शुक्रिया। बात करेंगे आज हम क्रियात्मक समूह के परिचय की। क्रियात्मक समूह के परिचय में सबसे पहले बहुत ही फेमस और जिसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो हमारा एल्कोहल रहेगा। जिस सबसे पहला जो रहेगा एल्कोहल, मुझे पेन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, तो मैं ब्लैक सेलेक्ट करूंगा और ये मुझे लगता है कि आपको अच्छे से दिखेगा। तो पहला हम लेंगे एल्कोहल, और इसी को हम, हमारा क्रम भी इसी के अनुसार होगा। तो एल्कोहल ये हमारा, कई बच्चे इसको एल्कोहल भी पढ़ते हैं, दोनों ठीक है, एल्कोहल बोल दो चाहे एल्कोहल बोल दो, लेकिन एल्कोहल ज्यादा सही रहता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, R बॉन्ड OH। अब R का मतलब क्या है? R का मतलब है जैसे CH3OH हो गया, तो ये R हो गया, ये इतना हिस्सा R है, जैसे CH3CH2OH हो गया, तो ये इतना हिस्सा फिर से R बन गया। जैसे कभी ऐसा लिखा हो CH3CH2CH2OH, तो इतना हिस्सा R बन गया। तो R क्या है? बेसिकली एल्केन ग्रुप होता है और ये आगे की तरफ होता है, तो R मूलक है ये सब, है ना। तो अभी R का मतलब आपको समझ में आ गया कि ये कितनी भी लंबी श्रृंखला है इधर, उसमें OH जुड़ा है, तो वो एल्कोहल की कैटेगरी में हम ले लेंगे। क्लियर? अब इसका अनुलग्न क्या है, मतलब इसका नाम क्या है OH का? तो इसे हम यूज करेंगे ऑल, इसे हम यूज करेंगे ऑल। ये देखो इसका यूज होगा ऑल, इसका नाम हम बोलेंगे ऑल, ठीक है। तो ये नोट बस करते जाना, इतना ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है कि अब ये याद कैसे होगा, इतना सीरियस नहीं लेना, चीजें लिख लो, याद तो तभी होगा। देखो कोई भी चीज ना तो आप याद कर सकते हो ना भूल सकते हो, जो चीज आप बार बार प्रैक्टिस करोगे वो आपको याद रहेगी, और जिस चीज की आप प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे वो आपको याद नहीं होगी। आप मेरे वीडियोस देखोगे तो मैं आपको याद रहूंगा, आप मेरे वीडियोस नहीं देखोगे तो आप मुझे भूल जाओगे, क्योंकि ये दिमाग की प्रोग्रामिंग ऐसे ही की गई है। इसलिए कहते हैं कि रिवीजन करना चाहिए, जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे चीजें उतना ही आपको याद रहेंगी, ठीक है। दूसरा दूसरा ईथर, ईथर की बात कर लेते हैं, ईथर, ठीक है। ईथर का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, आर बॉन्ड ओ बॉन्ड आर डैश, और ये जो है एल्कॉक्सी एल्केन हम इसे बोल सकते हैं, ये एल्कॉक्सी ये एल्केन होता है। ये आर का मतलब क्या है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। आर का मतलब जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मतलब तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो आर का मतलब सेम है, यहाँ पे इसका नाम लिख लेते हैं एल्कॉक्सी एल्केन, इसका मैंने नाम लिख लिया। R का मतलब सेम है, यहाँ पे CH3, R की जगह पर अगर हमने CH3 ले लिया, बॉन्ड लगा है तो बॉन्ड, O लिखा है तो बॉन्ड, R डैश की जगह पर हम C2H5 भी ले सकते हैं, तो ये अपना R डैश हो गया, मतलब R से भिन्न है, R है यहाँ पे, ये CH3 और R डैश हो गया C। तो जैसे कहीं लिखा है CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, तो ये R डैश हो गया अपना और ये हो गया R, ठीक है, अलग अलग। तो ऐसे स्ट्रक्चर इसके बनते हैं, तो मैं स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो कोई भी। चलो आगे बढ़े, थर्ड आता है देखो, और ये चीज आपको धीरे धीरे ही आएगी,
ऐसा नहीं है कि आप चीजें एक बार में सब सीख जाओगे। थर्ड आता है एल्डिहाइड। इनका एक वरीयता क्रम होता है जिसकी मैंने ट्रिक बनाई हुई है, लेकिन जब जरूरत होगी तभी बताएंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में जो आता है वो आता है आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे एच, ये एल्डिहाइड है। इसके लिए हम अनुलग्न यूज करते हैं, सफिक्स जो बोलते हैं जिसे अल, क्या बोलते हैं अल, तो इसके लिए हम अल यूज करते हैं। इसके लिए ऑल, इसके लिए अल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर बॉन्ड सी एच ओ, सी एच ओ को हम एल्डिहाइड बोलते हैं, सी एच ओ, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड लगता है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये ऊपर दिखा देते हैं कि ये डबल बॉन्ड हो गया, सी ओ से कनेक्ट हो गया और ये एच बगल से, इस तरह एक बॉन्ड तो रहेगा, तो कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, 4 हो गई, ऐसे रहता है। समझ में आ गया होगा ना? ओके, तो धीरे धीरे आएगा समझ में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक होता है थायो एल्कोहल, लेकिन मैं अपने नोट्स के क्रम से चलूंगा। चलो ठीक है, कीटोन की बात कर लेते हैं। कीटोन, कीटोन, कीटोन के लिए बहुत ही सिंपल है, सी आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे एच नहीं रहता, यहाँ पे भी आर रहता है, मतलब ये बीच में सी ओ रहता है। कीटोन, कीटोन के लिए यूज करते हैं ओन। नोट करते जाओ, बिल्कुल डायरेक्ट नोट करो, कुछ भी समझ, ज्यादा कुछ समझने की बात नहीं है, अभी तो केवल नोट करो। चौथे नंबर पर मैंने आपको क्या बताया, कीटोन, तो ये आपको याद होने चाहिए कि कीटोन क्या कहलाता है, कीटोन के लिए क्या यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया। पांचवा नंबर देख लेते हैं, थायो एल्कोहल, ये क्रम मैंने बनाया है थोड़ा सा, थायो एल्कोहल, अभी अपन ने देखा एल्कोहल, लेकिन अब देखेंगे थायो एल्कोहल, ये क्या है, इधर देखो R, अभी था यहाँ पे ओ एच, लेकिन यहाँ पे होगा एच एस होगा और यहाँ पे रहेगा एच, इसके लिए हम यूज करते हैं थायोल, थायोल शब्द का यूज करेंगे, थायोल। क्लियर तो आपको दिख रहा है ना? ओके, इसके नीचे आपको नहीं दिख रहा तो मैं नेक्स्ट स्लाइड लूंगा, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, यदि आपने अभी तक नोट नहीं किया है तो नोट कर लो फटाफट। चलो आगे बढ़े। ओके, छठवां नंबर, छठवां नंबर यहाँ पे आएगा एमीन। एमीन को भी हम पढ़ेंगे अच्छे से, एमीन के पूरे स्ट्रक्चर देखेंगे। तो एमीन के लिए यूज होता है आर बॉन्ड एनएच टू, आर बॉन्ड एनएच टू। अब नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, तीन, यानी नाइट्रोजन अपने तरफ तीनों तरफ बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ पे हो गया आर, यहाँ पे होगा एच, यहाँ पे होगा एच, ये इस तरीके से NH2 हम बना लेते हैं। लेकिन इसकी डिग्री मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर नॉलेज के लिए कभी कोई पूछ ले, तो इसकी देखो 1 डिग्री अमीन होता है, 2 डिग्री अमीन होता है, 3 डिग्री, अगर ऐसे लिखा है तो, अगर इसको या तो ये ऐसे लिखा है, इसका जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था वो भी हो सकता है, या फिर आर बॉन्ड एन ऊपर एक एच और नीचे एक। तो नाइट्रोजन से कितने बॉन्ड है आप खुद बताओ, नाइट्रोजन से कितने बॉन्ड जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं कितने बॉन्ड बताओ जल्दी, नाइट्रोजन से कितने आर जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन से एक ही आर जुड़ा हुआ है, तो इसे बोलेंगे 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन। अगर नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन गायब कर दें, एक आर और जोड़ दें, तो एमीन नाइट्रोजन ऊपर हाइड्रोजन एक रहने देते हैं, यहां पे मान लो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है और आर आता है, तो नाइट्रोजन से डायरेक्ट कितने आर जुड़े हुए हैं, दो, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, ये लिखते जाना कि कैसे आ रहा है 2 डिग्री एमीन। अगर मान लो ये तो हो गया फर्स्ट 1 डिग्री, ये हो गया सेकंड 2 डिग्री, अब थर्ड क्या होता है, थर्ड देख लो, अगर नाइट्रोजन में ये हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाए, यहाँ पे आ जाए आर, इस हाइड्रोजन की जगह पे आर आ जाए और यहाँ पे भी आर हो जाए, तो इसे बोलते हैं 3 डिग्री एमीन, क्या बोलते हैं बताओ, 3 डिग्री एमीन। तो इस तरीके से हमने देखा कि एमीन 1 डिग्री होता है जिसमें एक ही आर जुड़ा हो, अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ ये कितने डिग्री है, तो आप देख लेना नाइट्रोजन से डायरेक्ट कितने आर जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन से डायरेक्ट एक आर जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा 1 डिग्री, नाइट्रोजन से अगर 2 आर जुड़े हैं तो ये हो जाएगा 2 डिग्री, और नाइट्रोजन से अगर 3 आर जुड़े हैं तो ये हो जाएगा 3 डिग्री, यानी 3 डिग्री एमीन, तो ये एमीन होता है। तो इसको नोट कर लो, मैं साफ करने वाला हूँ क्योंकि इसके नेक्स्ट लाइन में
मेरे पास शायद स्लाइड है। ओके ठीक है, तो इसको तो आप नोट कर लो, लेकिन पहले इसको नोट कर लो, ठीक है? नोट करोगे ज्यादा सही रहेगा। चलो हो गया नोट। अब बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे एक और आ सकता है जो कि है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। चलो मैं यहाँ पे वापस करता हूँ, थोड़ा सा एक लाइट बुझ गई है अपने आप, पता नहीं क्यों बुझ गई है, तो चेक करना चाहूंगा सब कुछ ठीक है, माइक वगैरह आवाज तो आ रही है। ओके, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब ये कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है इसको कैसे लिखते हैं, आर बॉन्ड सी, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे भी ओ और एक एच। देखो इसमें कितना अंतर है, आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ एच, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसे हम ओ एक अम्ल भी कहते हैं, तो आप वो भी आप लिख सकते हो कि ओ एक अम्ल। मैं यहाँ पे मिलाती भी जा रहा हूँ, कुछ गलती ना हो, क्योंकि दिक्कत हो सकती है, पूरा वीडियो खराब हो सकता है थोड़ी सी मिस्टेक में। ओ एक अम्ल, तो आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ एच, इसे बोलते हैं ओ एक अम्ल, ये भी नोट कर लो, ठीक है? ओ एक अम्ल हो गया। फिर मैं एक आप ट्रिक बताऊंगा, तो इससे आप 5-6 भी तो बिल्कुल याद हो जाएंगे, 5-6 आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है? तो एमीन के बारे में भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। एमीन को एमीन ही कहते हैं, तीनों जगह एमीन ही कहेंगे। कई बच्चे अभी तक कमेंट कर दिए होंगे, सर एमीन को तो आपने बताया नहीं है, इसको एमीन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमीन एमीन एमीन, वो 1 डिग्री 2 डिग्री रहता है, बाकी एमीन ही बोलते हैं। और 2 डिग्री के लिए मैं थोड़ा सा आपको अगर नॉलेज और अच्छा दूँ, तो यहाँ पे मैं उस चीज को बताना चाहूंगा। ठीक है, एन एल्काइल एल्केमाइन। अब आप कहोगे सर ये इतना कठिन क्यों बता दिया, याद रखना हो रख सकते हो, नहीं रखना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मत याद रखो, ठीक है? एल्केनामाइन, एल्केनामाइन, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एल्केनामाइन। चलो ठीक है, ये मुझे बताने नहीं थे, लेकिन मैंने सोचा चलो ठीक है बता देते हैं। एल्काइल एल्केनामाइन, ये है 1 डिग्री एमीन के लिए, याद रखना किसके लिए है ये, 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन के लिए, 2 डिग्री, 1 डिग्री के लिए तो क्या चलेगा अपना एमीन, ठीक है? 2 डिग्री एमीन के लिए मैंने बता दिया। 3 डिग्री के लिए और हम देख लेते हैं, 3 डिग्री के लिए यहाँ पे लिखते हैं एन एल्काइल। आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए लिख सकते हो कि एन एल्काइल, ये हो गया एन एल्काइल, इसके साथ साथ फिर से होगा एन एल्काइल एन एल्काइल एन एल्काइल, ये नाम अभी जब यूज करोगे तब ज्यादा सही रहेगा, और इनका यूज तो है ही नहीं, ये तो सिर्फ लिख बस रहे हैं, एल्केनामाइन, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा। अब आप कहोगे सर ये याद कैसे होगा, तो देखो मैं बहुत ही सरल ट्रिक आपको बताने वाला हूं, मैं भले ही देख के लिख रहा हूँ, स्पेलिंग देख रहा हूँ, लेकिन मुझे पता पूरे हैं। देखो कैसे, एन ये आर जब आप देखोगे ना, तो ये आर का मतलब होता है एल्काइल एल्किनामाइन, लेकिन 2 बार जुड़ा है, तो देखो एल एल्काइल एन एल्काइल, 2 बार हो गया। देखो 1 डिग्री का तो एमीन होगा, 2 डिग्री में आप समझो कि एक तो होता है एन एल्काइल और दूसरा एल्किनामाइन, एक होता है एन एल्काइल दूसरा होता है एल्किनामाइन, इधर देखो एक होता है एन एल्काइल, तो एन एल्काइल यहाँ पे हो गया और एन एल्काइल यहाँ पे होगा, 2 बार तो हो गया, और ये वाला एल्केनामाइन, कोई भी एन बॉन्ड आर है तो वो एल्केनामाइन ही होगा, एल्केनामाइन, ठीक है? बाकी एन एल्काइल, तो मैंने इस तरीके से ट्रिक बनाई हुई है, तो आप भी कर सकते हो, बाकी मैंने स्पेलिंग के लिए देखा है और कुछ भी नहीं, ठीक है? नहीं तो आप सोचो कि सर आपने देख के लिख दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे पता है ये होगा क्या, एन एल्काइल, ये तो एमीन है, सेकंड 2 डिग्री एमीन से इनके नाम है एन एल्काइल एल्किनामाइन एन एल्काइल एन एल्काइल एल्किनामाइन, ठीक है? ये रहता है। अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की, तो ये तो हो गया ओ एक अम्ल, आगे बढ़ जाते हैं 8वें नंबर पे, चेक करेंगे 8वां नंबर क्या होना चाहिए, 8वां नंबर ऑयल हैलाइड होगा, या फिर आप एस्टर पढ़ सकते हैं,
तो ऑयल हैलाइड या एसिड हैलाइड जिसे हम बोलते हैं, तो एसिड हैलाइड हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्या है ये? एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल पूरा लिख दो, उसमें एक बस आपको यहाँ पे रहता है OH, यहाँ पे क्या रहता है OH, ये बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, यहाँ पे X कर दो, यहाँ पे क्या कर दो X। X क्या है? हेलोजन। ये बनता कैसे है? कार्बोक्सिलिक अम्ल से ही बना है। देखो कैसे, मैं आपको थोड़ी डिटेलिंग ले जाता हूँ। ये OH था, अगर इसकी क्रिया हम किसी अम्ल से करा दें, किसी हेलोजन से करा दें, हेलोजन के अम्ल से, तो HX मान। अब HX में HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जितने हेलोजन कराएं क्रिया, तो ये H2O निकल जाता है, H2O, H2O निकल जाएगा, और R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड X ये बनता है। देखो बन गया कि नहीं, तो ये आप इसको बोल सकते हो आप ऑयल हैलाइड। इसका नाम क्या है? ऑयल हैलाइड, अनुलग्न में ऑयल हैलाइड। तो ये आप नोट कर लो, ये कुछ क्रियात्मक समूह थे जो मैं आपको बता रहा हूँ, और कुछ रहे तो नहीं गए। अभी और भी हम लिख सकते हैं, जैसे एसिड एमाइड या एस्टर, एस्टर पहले लिख लेते हैं। तो ये एस्टर होता है, इसे एस्टर ही बोलना, कभी ईस्टर मत बोल देना। ये होता है आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ आर, ये इसका स्ट्रक्चर है, आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ आर, ये एस्टर कहलाता है। एस्टर आप जब पढ़ोगे एस्टर के बारे में, तो ये डिटेलिंग है काफ़ी, और इसके लिए हम बड़े बड़े स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, मतलब जितना हो सकेगा हम क्रियात्मक समूह को आगे ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया एस्टर के बाद, हम पहले तो हम इसका ये लिखेंगे एल्किल, थोड़ा सा मैं इसको फिर से मिटा देता हूँ, लिखेंगे एल्किल एल्किनोइक, एल्किल एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक अम्ल, एल्केनोइक अम्ल, तो ये आप यूज कर सकते हो, ये एस्टर के लिए हो गया। तो इतने जो है 9 हो गए। अब इसके बाद एक दो और देख लेते हैं, जैसे एसिड एमाइड हमने लिया है, क्या लिया है बताओ? एसिड एमाइड, एसिड एमाइड, मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ रह ना जाए, एसिड एमाइड हमने ले लिया, ठीक है। अब एमाइड के लिए हम यूज करेंगे आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे NH2, तो ये आपका आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ NH2, और इसका जो आखिरी शब्द है एमाइड, यहाँ पे वही आ जाएगा, ये देखो एमाइड। तो एसिड एमाइड 10 क्रियात्मक समूह तक हमने देख लिए हैं। उसके बाद साइनाइड आइसोसाइनाइड भी हो सकता है, जैसे साइनाइड साइनाइड, इसके लिए हम यूज करेंगे सी ट्रिपल बॉन्ड एन, और ये साइनाइड ही है, इसे नाइट्राइल बोलते हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड एन नाइट्राइल। आइसोसाइनाइड भी यहाँ पे लगा देते हैं, आइसो साइनाइड, तो इसमें एन आगे आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड सी, मतलब जैसे सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, वैसे एन ट्रिपल बॉन्ड सी हो सकता है, तो यहाँ पे आ जाएगा। इसमें ये आर से तो जुड़ा ही रहेगा, नहीं तो आप थोड़ा दिक्कत कर लो, आर से ये जुड़ा ही रहेगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। और नाइट्राइल, आइसो नाइट्राइल, आइसो नाइट्राइल, ये आप नोट कर लो, ठीक है। तो ये है क्रियात्मक समूह जिनके बारे में बेसिक जानकारी मैंने आपको दी है। अब ये कैसे बनते हैं, इनके जब एक एक नामकरण आप पढ़ोगे तो आपको ज्यादा क्लियर होने लगेगा, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये देख लो, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, तो इनको नोट बस करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, और याद करने की भी जरूरत नहीं है, ये जब ही याद होंगे जब आप इन पर फोकस करोगे। चलो अब हम क्रियात्मक समूह OH वाले यौगिकों का नामकरण करेंगे लेक्चर नंबर 11 में, मैंने पहले से ही आपको दिखा दिया है, तो कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।